साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 18 में पिछले कई दिनों से लोग सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग खुद ही इसका समाधान कर रहे हैं। नगर निगम से शिकायत करने के बाद निगम की टीम खाना पूर्ति कर चली जाती है और यहाँ के लोग इस समस्या से जूझते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की नेत्री सुशीला कटारिया की माने तो यहाँ निवर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद की आपसी खींचतान भी लोगों के लिए समस्या पैदा कर रही है। वहीं सुशीला कटारिया ने निगम अधिकारियों और यहाँ के पार्षदों पर हमला बोलते हुए कहा कि शीतला कॉलोनी में पानी निकासी के लिए 3 ट्रैक्टर मशीन लगाए गए हैं, जिसका एक दिन एक मशीन को 8,000 रुपये पे किया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में कितना पैसा इस मशीन पर खर्च किया जा रहा है। उससे यहाँ पर नई सीवर लाइन डाली जा सकती है, लेकिन यहाँ के पार्षद अपनी कमाई करने के लिए निगम अधिकारियों से मिली भगत कर मशीन लगाते हैं ताकि इसका फायदा पार्षद को भी हो। मैं सुशीला कटारिया, आम आदमी पार्टी महिला अध्यक्ष, पूर्व महिला अध्यक्ष हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ हमें पिछले कई सालों से कोई दिक्कत थी नहीं। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ के पार्षद, पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षदों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, जिसको लेके जनता को भुगतना पड़ रहा है। ना जाने उन्होंने किस प्रकार के प्रेशर दिया है, किस प्रकार से समस्या को पैदा किया है। ये समस्या बनाई हुई समस्या थी नहीं। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा होकर पार्षद के पास भी पहुँचे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी पहुँचे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के उनको भी बोला है। उन्होंने फ़ोन उठाने से बंद कर दिया। अभी इनको बड़े हाथ पैर जोड़ के अपने पैसे दे के सीवर लाइनों के लिए पानी की सप्लाई जो टैंकर से लेके जा रहे हैं वो काम किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि क्या ये टैंकर्स फ्री में चलते हैं, क्या इनके पैसे नहीं लगते? जब इतना पैसा जब ये लोग इस चीज़ में बर्बाद कर सकते हैं तो क्यों एक नई पाइपलाइन क्यों नहीं डाली जा सकती है? और दूसरी बात यह कि शीतला कॉलोनी की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ तो इस तरह का रोज का जीवन है। वो पिछले 10 सालों से इसी प्रकार की गंदगी से गुजर रहे हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं जो कि पानी को घुमाते हैं, जिसका किराया एक दिन का 8,000 रुपये है। जब एक दिन का किराया 8,000 रुपये सरकार दे सकती है, नगर निगम दे सकता है, तो एक नई पाइपलाइन किस लिए नहीं दी जा सकती? हम जानना चाहते हैं सरकार से कि पैसे की बर्बादी करने से अच्छा है कि लोगों को सुविधाएं दी जाए ताकि लोगों का जनजीवन जो है वो एक अच्छा जनजीवन जी सके। हम लोग स्मार्ट सिटी में कहा जाता है कि हम यहाँ पे रहते हैं, पर तो स्मार्ट नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सुअरों का जीवन शायद आसान से जी सकते हैं, पर इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है इस गंदगी के अंदर जीवन निर्वाह करना। मैं यहाँ इतने 10-15 साल से रह रही हूँ, कभी ये प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। अब तो कुछ दिनों से तो जीना आराम हो गया हमारा यहाँ पे। अब मैं निकल गया, यही सबका रास्ता यहीं से निकलना आना जाना है, डेली का रूटीन। अब बंदा जाए तो कहाँ से जाए? ऊपर तक ऐसे तालाब की तरह यहाँ शिविर का पानी भरा पड़ा है। कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? कितने दिन हो गए वो पानी भर के ले जा रहा है, कम से हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया यहाँ। अब पानी भर के ले जाता है, 1-2 घंटे बाद में फिर उतना ही पानी भर जाता है, तो क्या फ़ायदा इसका? कब तक ऐसे चलता रहेगा? कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना इसका, कहीं ना कहीं मोटी रुकावट है इसमें। भैया गंदा पानी है, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, सारी बदबू जा रही है घरों में। शिकायत के एक हफ्ते से हो रहा है, बाढ़ वाला भी आया था, वो कहने लगा करा रहा हूँ, हो गया होगा महीना तो उन्हें, अब ज्यादा होगी भाई, ये निकलता था मतलब अब ज्यादा हो रहा है। 20-25 साल हो गए और यहाँ पे सीवर का पानी तो ऐसे ही है, पूरे दिन चलता रहता है। रात में तो कोई काम होता नहीं है, सुबह तो पूरा फुल हो जाता है। मेरी बहन की शादी थी 13 तारीख, 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है पानी भरना, जितना भी है। कई बार टैंकर वगैरह आए हैं, डाल के पानी ले गए हैं, कुछ सफाई तो मतलब सफाई तो हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। और उसके बाद कुछ मेहमान भी आए हुए थे यहाँ पे, खाना पीना खिलाने के लिए जैसे नीचे खिलाते हैं, उसकी जगह हमें 3rd फ्लोर पे खाना खिलाना पड़ा था सबको, ताकि स्मेल ना जाए। बिल्कुल यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं और गाड़ी फंसी भी थी, एक गाड़ी फंस जाती है, निकल नहीं पाती। वहीं सुशीला कटारिया की माने तो यहाँ के लोग लगातार ऐसी समस्या से जूझते रहते हैं और जब अपनी समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं तो अधिकारी और पार्षद कॉलोनी अनअप्रूव्ड होने का हवाला देकर इनकी आवाज दबा देता है। अब ऐसे में यहाँ के लोग करें तो क्या करें? ब्यूरो रिपोर्ट, द क्राउन न्यूज।